आपका HT न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए HT। जहाँ पर आप देख रहे हैं मारुति ज्योति आश्रम भी है, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं इनके वहाँ महाराज जी हैं सदानंद जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मंदिर की क्या खासियत है जिस वजह से लोग यहाँ फरियाद लगाने आते हैं, माता जी से कई तरह की अर्जी लगाने आते हैं और माँ के इस जिस तरह से वन दुर्गा मंदिर इसका नाम है, कहीं ना कहीं लोगों की मन्नतें भी यहाँ पूरी होती है। इसी चर्चा को लेकर आज आए हैं सदानंद महाराज जी से बात करेंगे और जानेंगे कुछ बातें इस मंदिर के बारे में। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर जहाँ महाराज जी से बात करके जानेंगे कि क्या कहना है इस मंदिर के बारे में और कब हुआ इस मंदिर का निर्माण। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ हंगामा टाइम्स न्यूज में और आज बात करेंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत एक महात्मा है, तो उसी प्रकार से आज हम आपको कानपुर के अर्रा में लेकर आए हैं जहाँ पर माता के एक मंदिर में आए हैं। भी महाराज जी हमारे साथ साधना नंद जी, उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं, क्या उनकी छवि एक संत महात्मा वाली रह गई है। महाराज जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी छवि इस समय जिस तरह से देख रहे हैं लोग, क्या संत महात्मा वाली लगती है? कहना क्या था साहब, वो योगी हैं, अष्टांग योगी हैं। अष्टांग योगी के नियम होते हैं जी, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाज में संलग्न रहने वाला ही अष्टांग योगी कहलाता है। हमारी योगी जी में राज्य चलाने के संपूर्ण अंग हैं, राज्य चलाने के 18 अंग होते हैं जी। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, रोहित, द्वारपाल, वनरक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, गुरु, वकील, राजाज्ञा का कहने वाला, वैद्य, दरोगा, महलवासी, जोड़ी पे नित रहने वाला है, यही 18 राजन। इनका विचार रखे राजा, शासन इनको दे भली भांति, इनके पूर्ण शासन रखे राजा। नीतज्ञ नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हों, शासन में तभी कुशलता है जब कार्य पूर्ण सहयोगी हो। ये सब अंग उनके सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। कहते हैं जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पशुल है भूम है वह संस्थान। बजय ताली युगल कर से, युगल का मतलब होता है दोनों हाथों से, बजय ताली युगल कर से, नियम ये ही सदा से है, जब की प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। लेकिन इसके राज्य चलाने के कुछ अवगुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, वो क्या है? गैर है, अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनित, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ, धर्मीपन, ममंथना कथन, इन दोषों से सर्वदा यदि बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। आज हमारे इस भारतवर्ष में दो है, एक मोदी और दूसरे योगी, दोनों संत हैं, दोनों जो कार्य कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जिस सुचारू रूप से कर रहे हैं, जिससे हमारा ये इंडिया आगे बढ़ रहा है, उत्तम कार्य कर रहा है। महाराज जी बताइए, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक मंत्र को ट्वीट किया था ओम ह्रीम क्लीम विच्छाय नमः ऐसे कुछ करके, क्या था उस मंत्र का जो अर्थ था, क्या था जिस तरह से बीजेपी पर वो कसा गया था? देखिए बताएं हम जी, जिसको जिस विषय का ज्ञान न हो उस विषय पे उसको ज़्यादा बोलना ना चाहिए, न उस पर ट्वीट करना चाहिए। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि कहा गया है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। देखिए उन्होंने जो ट्वीट किया था वो गलत किया था, इसका मतलब होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे। ओम का मतलब होता है श्री, जैसे सम्मानित व्यक्ति के सम्मुख श्री लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से ओम शब्द होता है। ऐं से काली जी शरीर की रक्षा करती हैं, ह्रीं से लक्ष्मी जी धन की वृद्धि करती हैं, क्लीं से सरस्वती मैया बुद्धि प्रखर करती हैं, चामुंडा से महाकाली मैया जहाँ जहाँ वो व्यक्ति जाता है उसकी रक्षा करती है, बिच्छे से अभयदान प्रदान करती है, इसका अर्थ ये होता है। तो जो इसका नित्य प्रति जब करता है, एक माला यदि करता है तो उसके जीवन काल में किसी प्रकार की कमी नहीं आ सकती, उसका सर नीचे नहीं हो सकता है,
और हर समय वो आगे बढ़ता ही रहेगा, सत्य पथ पे ही चलता है जी। तो प्रियंका गांधी जी ने जो ट्वीट किया था बीजेपी के पक्ष में था या उन पर एक तंज था? देखिए पक्ष में क्या था, तंज था जी, पक्ष में नहीं था, ये उनका तंज था कि ये दिखाने के लिए कि नहीं हम भी जो है मंदिरों में जा करके कुछ करती हैं। क्या करती हैं? अरे जब आपको ज्ञान ही नहीं है, पूजा का ज्ञान नहीं है, किस प्रकार से पूजा की जाती है, किस प्रकार से साधना की जाती है, नियम क्या है, ये सब उनके अंदर ही नहीं। ये केवल ये दिखाया था अपना बड़ापन कि नहीं मेरे अंदर ये जो है मैं भी जो है इन मंत्रों को करती हूँ, मैं भी ऐसा करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। महाराज जी क्या कहेंगे जिस तरह से सिद्धनाथ मंदिर है, कितने वर्षों से है ये, कब इसका निर्माण आपने कराया? 2006 से इसको शुरुआत इसकी कराई थी और 2012 में जो है माता जी को प्रतिष्ठा हुई थी। आज हम देख रहे हैं कि मंदिर तो बहुत है लेकिन इस उस मंदिर में यदि वहाँ का पुजारी सही नहीं है तो वो मंदिर सही नहीं माना जाता। जिस मंदिर पे जाने पे आत्मा को शांति मिले वही सिद्ध स्थान माना जाता है। आज हम देखते हैं सुप्रात में यहाँ के कई लोग आते हैं, भीड़ लगती है जी, मनोकामना लेकर के आते हैं माँ के दरबार में, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि जब मनोकामना लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो उत्साहित होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं ताकि हम दिन बुना रात चौगुना माता जी के भजन में लग करके और उनकी सेवा करते हैं। आज ये सिद्धपीठ हो गया है जिसकी वजह से आए हुए किसी भी निराशित व्यक्ति को लाभ मिलता है और प्रसन्न होकर के जाता है, रोता हुआ जाता है तब हो जाता है। महाराज जी कोई संदेश देना चाहेंगे कानपुर वासियों को मंदिर की तरफ से? अपनी हम केवल यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे कानपुर के जितने संत सब लोग सुखपूर्वक रहें, मिल कर के चलें और एक साथ मिल कर के काम करें। कोई 22 का चुनाव आने वाला है, राजनीति से हम दूर रहते हैं। देखिए संत ये वही है जो राजनीति से दूर रहे, हमारा ये है, हमें राजनीति से मतलब नहीं है, हमें केवल माँ से मतलब है, माँ का भजन पूजन करना और बस में एक सेवा में रहना।